मथुरा जा रहे हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने के लिए। ठीक है, तो आज का पेट्रोल का जो रेट है वो है आपका 104.99 रुपया, यानी 105 रुपया से 1 पैसा कम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ चंदनगर स्टैंड में, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है। शुरू करते हैं, इधर पातलबाड़ी है, ठीक है, और आगे चलिए पूरा घूम के दिखाते हैं। ये मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, ईस्ट की तरफ आए हैं आज, पिछले दिन वेस्ट की तरफ गए थे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये शोहित मीनार है, एकदम पातलबाड़ी के क्लोज में ही है एकदम। ये सेंट जोसेफ स्कूल है जो कि एकदम अपोजिट में है। ये जोसेफ घाट है, एग्जैक्ट स्कूल के अपोजिट में ही है, और इधर लोग आके बैठते हैं, ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट ही होते हैं। यहाँ पे कोविड के लिए कुछ वार्ता लिखी गई है, सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर है, और ठीक अपोजिट में ही चंदन नगर का म्यूज़ियम है, तो आइए देखते हैं थोड़ा। ये जो ये चंदन नगर म्यूज़ियम का गेट है, फिलहाल कोविड के चलते अभी ये बंद है, ठीक है। यहाँ के एंट्री फी जो है वो भारतीय लोग के लिए 5 रुपया और विदेशी लोगों के लिए 20 रुपया है। तो फिलहाल तो अंदर जा नहीं सकते क्योंकि कोविड के चलते अभी ये बंद है। चलिए आगे दिखाते हैं। ये आगे जो देख पा रहे हैं ये जोड़ा घाट है, और आगे जेटी है। ज़्यादातर अभी स्टूडेंट का ही जमजमाट है यहाँ पे, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज जो है थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, ओपन होने लगा है। यहाँ पे बेसिकली देहांत के बाद जो अंतिम कार्य होता है वो यहाँ पे होता है। नॉर्मली लोग भी आके नहाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी इधर होता है। तो ये जो है ये चंदनगर जेटी है, ठीक है, बहुत पुराना है, रिकंस्ट्रक्शन किया गया है ये सब चीज़ों को, क्योंकि कुछ इस तरह से दिखता है इस तरह। यहाँ पे छोटा सा पार्क टाइप का बनाया हुआ है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये चंदनगर कॉलेज है, इसे डुपले के नाम से भी जाना जाता है। ये चंदननगर रविंद्र भवन है। तो यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे बहुत मतलब कॉन्जेस्टेड एरिया है, मतलब वैसे वाला घर कम है इधर, मतलब ज़्यादातर सरकारी चीज़ें जैसे कि स्कूल कॉलेज थाना, ठीक है, आगे कोर्ट है। ये चंदनगर कोर्ट है, न्यायालय है इधर, और इसके आगे ये सब चीज़ें हैं। चलिए दिखाते हैं। ये चंदनगर न्यायालय का मुख्य द्वार है।
ये जो देख पा रहे हैं ये रानीघाट से छोड़ी गई फेरी है, ये उस पार जा रही है 24 परगना जगतदल, और उधर से भी एक आ रहा है। लगभग 15 मिनट के आसपास एक एक फेरी छोड़ी जाती है घाटों से। ये जो है ये बेसिकली रानीघाट है, ठीक है। यहाँ पे जो जगतदत्री माँ पूजा होती है तो उसी की विसर्जन यहाँ पे होती है इस घाट पे। तो ये सब जो चीज़ बनाया हुआ है ये उसी के लिए, ताकि गाड़ी का जो चक्का है वो अटक जाए आप और विसर्जन में आसानी हो, गाड़ी लुढ़क के ना चला जाए गंगा में, इसीलिए ये सब बनाया हुआ है। ये चंदनगर चर्च है और इसके आसपास बहुत सारी दुकानें हैं फास्ट फूडों की और एक्सेसरीज़ों की भी थोड़ा दुकान है, दोनों तरफ दुकानें हैं जैसे कि देख पा रहे हैं। अभी मैं चंदनगर चर्च के पास हूँ, फेमस चर्च, ठीक है। अभी तो बंद है लेकिन यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कि कब खुला रहता है कभी बंद होता है, तो मैं सब आप लोगों को दिखा दूंगा। किसी दिन खुला रहेगा तो तब आएंगे, फिर आपको अंदर से हो सके तो दिखाएंगे पूरा। तो ठीक है, इतना ही था आज का, फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।